हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। GTA 5 की सीरीज हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं, लेकिन आज से मैं सिमुलेटर गेम्स भी खेलने वाला हूं, जैसे कि गैस स्टेशन सिमुलेटर, रैंच सिमुलेटर, जुरैसिक वर्ल्ड इवोल्यूशन 2, ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर 2 और बहुत सारी। तो आज के ये एपिसोड नंबर है 2 गैस स्टेशन सिमुलेटर का। हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमने एक बहुत ही पुराना टूटा फूटा अबेंडेंट गैस स्टेशन खोला था, जो कि हमारा नहीं था, हमारे अंकल का था। हमने पूरी अच्छे से मरम्मत करी, सफाई करी, उसको क्लीन करा और अब ये गैस स्टेशन काफी हद तक वर्किंग कंडीशन में है, यानी कि चल सकता है। लेकिन ये गैस स्टेशन हमारा खुद का नहीं है, ये हमारे अंकल का है। हमने उनसे कर्जा ले रखा है। अब क्या हम ये कर्जा पूरा कर पाएंगे कि नहीं, ये हमें शायद से इस एपिसोड में पता चलेगा। तो प्लीज आप लोग मेरे साथ आखिर तक बने ना, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दो, क्योंकि मैं आप पे बहुत सारी सिमुलेटर गेम अभी खेलने वाला हूं। तो फिर चलो अब हम शुरू करते हैं। तो वेल दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने वहां पे खत्म किया था जब हमें एक पार्किंग लॉट खरीदना था, यानी कि पार्किंग एरिया जहाँ पे हमारे क्लाइंट्स आके अपना व्हीकल पार्क कर सके। और अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो मैंने ऊपर आई बटन पे लिंक दे दिया है, आप वहां जाके देख सकते हो। अभी एक गोल्डन कार का पेट्रोल भर दूं, पहले क्लाइंट से टिप मिलनी चाहिए और मिल गई, $5.11। ओके परफेक्ट, ये बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं रहा, मेरे को इसको पूरा पेंट करना पड़ेगा। और वाइट कलर का पेंट बेस्ट है, क्योंकि आप देखना जब रात को वाइट कलर का पेंट हम दूर से दिखते हैं तो वो चीज़ बहुत चमकती है, ग्लो करती है। और अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इस आगे के पार्ट को पेंट कर रहा हूँ, बाद में सारे घर को, पूरे इस गैस स्टेशन को पेंट भी करूँगा। अभी आप देख सकते हो फ्यूल स्टेटस काफ़ी कम है, मुझे पेट्रोल भरवाना पड़ेगा अपने उस टैंकर के अंदर। और ये रहा, पहले पार्किंग लॉट में खरीद लेता हूँ। ये मैंने लास्ट एपिसोड में पूरे रेत की टीले यहाँ से हटाई थी, सैंड पाइल्स, तभी मैं पार्किंग लॉट परचेज कर सका। आंसर द कॉल फ्रॉम द अंकल, हमारे अंकल का कॉल आया, फटाफट जाके उनका कॉल पिक करता हूँ। हेलो, I see the business is doing well. I'm calling to congratulate you on successfully getting it off the ground. But you can't run a business on fuel alone. I've had a few of my people deliver some extra stock for those empty shelves of yours. Time to talk money. You now owe me. Well, I'll send you the invoice to your email. Don't miss it. I'm sorry, nephew, but there is just no room for charity in this world. I hope you'll find it within your finances to repay the debt. Otherwise, we'll be forced to see to more persuasive methods of reimbursement. Don't have me wait too long now. Goodbye. तो बेसिकली हमारे अंकल ने कॉल पे हमें ये कहा है कि सिर्फ गैस स्टेशन से, पेट्रोल पंप से काम चलने नहीं वाला है, हमें कुछ खाने पीने की चीजें, शेल्व्स भी अपने उस गैस स्टेशन के घर में रखना होगा। और सबसे बड़ी चीज ये बोली है कि हम अभी कर्जे में हैं, अंकल कोई चैरिटी का काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें सूझ समय यानी कि टाइमली हमें उन्हें सारा पैसा देना होगा जो हमने उनसे बोरो किया है, और मैं ये काम करके ही रहूंगा। Your shelves have been restocked, यानी कुछ खाने पीने के पेप्सी कोला चिप्स आ गए होंगे। और ये दूसरा क्लाइंट है, इसके पास से भी टिप, अरे नहीं मिल पाई, ये अच्छे से कर नहीं पाया मैं, चलो कोई बात नहीं। तो कहाँ पे, हाँ ये रही ये वो खाने पीने की चीजें। और अभी पूछे पहले ये पेट्रोल भरवाना होगा, ये टैंकर से वहां पे पेट्रोल जाएगा और मैं अपने क्लाइंट्स के लिए पेट्रोल भर पाऊंगा। तो हमें पहले इस टैंकर के अंदर पेट्रोल लाना होगा। और अभी यहाँ पे सर्व द कस्टमर एट द कैश काउंटर, तो अभी पहले मैं पेंटिंग का थोड़ा काम कर दूँ, क्योंकि अभी मेरे कैश काउंटर पे कोई भी क्लाइंट नहीं है। और मेरे को लग रहा है ये वाइट कलर का पेंट अच्छा है, आगे जाके और भी बहुत सारे कलर पैलेट अनलॉक होंगे, और अभी के लिए मैं वाइट कलर रखता हूँ। ये आवाज ही कैसी, ओ बाप रे, वो लोग वेट कर रहे हैं, ये मैंने ऐसा क्यों पार्क कर दिया है, वो पार्किंग एरिया के अंदर एंटर ही नहीं कर पा रहे हैं। चलो होता है कभी कभी, अभी नया नया पार्किंग लॉट मैंने
अनलॉक किया तो थोड़ा समझने में देर तो लगेगी ना। लेकिन और यहाँ पे कोई भी क्लाइंट अभी तक आया नहीं है और मुझे यहाँ पे लोन रीपे करना है। ओके, फ्यूल सप्लाई ऑलरेडी मैंने कर तो दी थी, चल चलेगा, इट्स ओके, रहने देता हूँ। पर लोन रीपे करने का बाद में ऑप्शन आएगा मेरे ख्याल से। आइए मैडम आइए, ये फर्स्ट कस्टमर है मेरी, ये जो इस खाने पीने की चीजें, ये तो मुझे वो टॉमी वर्सेटी लगता है GTA वाइस सिटी का, उसकी टी शर्ट देखो वैसी है। अच्छा ये कैश काउंटर है, ये तो मुझे बहुत इजीली पता है कैसे करना है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसको आगे प्रेस करना है, एक एक चीज़ें लानी है, फिर बार कोड स्कैनर से स्कैन करना है। ठीक है, ये तो मुझे ओरियो लगता है, ओरियो आप सबको पता होगा खाने पीने की चिप्स होते हैं। वाह क्या बात है, मेरे को भी, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, मैं खुद अपनी दुकान का, चलो ठीक है अभी वो हमारे लिए नहीं है। ओ बाप रे, वो आ गया टॉमी वर्सेटी GTA वाइस सिटी का, उसकी टी शर्ट बहुत ही बढ़िया है। ओके इसको खुश करना है, एक साथ तीन तीन कस्टमर आके पहली बार में मतलब छक्का लग गया, लगता है यहाँ पे बहुत सेल होने वाली। अरे ध्यान से, तो ये चीज भी हमको सीखनी पड़ेगी, पर मेरे को लगता है एक वर्कर रखना पड़ेगा, मैं अकेले सारे काम नहीं कर पाऊंगा। ये क्या हुआ? ओके थैंक यू, थैंक यू सर, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। और ये मोहतरमा का भी करना है ना, इस मोहतरमा को क्या, इसने ऑर्डर क्या किया है? अच्छा ठीक है, तो फाइनली आप देख सकते हो राइट साइड पे लिखा हुआ आ चुका है पे द लोन यूजिंग PC, यानी कि अभी हमें अपने PC से सारा कर्जा चुकता करना होगा, लेकिन $5,000 है, यानी कि 7.5-8 लाख रुपए हुए। मैं को लगता नहीं मैं सारा पे कर पाऊंगा एक साथ, और नहीं हो पा रहा है। अगर अब मैंने ये लोन पे नहीं करा तो वो कुछ गुंडे भेजेंगे मेरे को ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन मैं उनसे अच्छे से निपट लूँगा और मैं अंकल को समझा दूंगा कि मेरे को थोड़ा और टाइम चाहिए। तो फिर चलो देखते हैं। तो आप मुझे यहाँ पे एक कस्टमर और हैंडल करना होगा, इसके पास से टिप मिलती है $3.76 अचीवमेंट अनलॉक स्किल्स टू पे द बिल। अरे ये पूरा मेरा गंदा करके चले गए, आप खुद सोचो आपका खुद की ऐसी दुकान हो, गैस स्टेशन हो, घर हो, कुछ भी हो आपका खुद का हो, और लोग उधर आके गंदा करके चले जाए, आपको कैसा लगेगा? इस सिगरेट का पैकेट कोई फेंक के चला गया, उसको मारने का मन कर रहा है। मैं कोई नोटिस, ओ एलन मस्क, अरे एलन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, ये तो पक्का टिप देगा और देगा सही। और इसने क्या चीजें खरीदे हैं, इसको फटाफट सर्व करना होगा, ये तो टिप जरूर देगा। और पहले फटाफट चेक कर, अरे अरे मैं चेक करना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, एक ही नहीं हुआ ना। इसने कोई स्नैक्स परचेस नहीं किए, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ही परचेस करी है, चलो मुझे क्या, तो कितनी चीजें थोड़ी कम लिया, टिप तो देके जा कम से कम, हमसे खुश नहीं हुए। अरे सर रुकिए सर, आपको मैं दोबारा सर्व करके दूंगा, ये फेंक के चला गया। फिर क्या है भाई ये, मैंने उससे कितनी एक्सपेक्टेशन रखी थी, और अभी क्या, आंसर द फोन कॉल, हमारे अंकल का कॉल आया है और हमें उन्हें जवाब देना होगा। पर अभी कोई दया रहम नहीं खाई, अंकल को थोड़ा समझना चाहिए कि 5,000 का लोन पे करने में देर लग सकती है। और ये क्या, हम तो सपना देख रहे हैं, और ये बुल्स के सींग है इसके ऊपर, ये गाड़ी किसकी हो सकती है, और पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो कोई बहुत बड़ा माफिया डॉन लगता है। अच्छा तो ये है हमारे अंकल, सिगार पी रहे हैं, तो काफी अमीर रॉयल पार्टी लगती है। अंकल प्लीज मुझे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे दो। इसकी कार देखो ना, गाड़ी कैसी है, चमक रही है। तो आई थिंक हमको माफ कर दिया गया है,
और हमको थोड़ा और टाइम दिया गया है लोन पे करने के लिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अभी अंकल का फ़ोन आएगा, मुझे उसे अब पिक करना होगा और देखते हैं वो क्या बोलते हैं। Hey nephew, back on your feet? I hope your head's no longer spinning. Thanks for picking up. We need to talk. There was a mistake, a serious one. You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper retribution for what has happened. The amount of time on your investment loan deadline was rendered far too short for what the amount was. It's plain bad business. And I don't make bad business decisions. Let's forget about this debacle for the time being. As a token of apology, please accept this small gift. It will help with your next delivery, no strings attached. However, you will need to make the warehouse operational again to receive it. Somehow. You're a resolute lad. You'll figure it out. तो मैंने अंकल की पूरी बात सुनी है और उन्होंने अपनी गलती मान ली है, उन्होंने खुद ने स्वीकारा कि उन्होंने मुझे काफ़ी कम टाइम दिया लोन पे करने के लिए और उन्होंने मुझे माफ़ करके एक टोकन ऑफ अपोलॉजी के लिए वो सारे पैसे वापस कर दिए जो मैंने अभी उनको लोन के लिए दिए थे थोड़ी देर पहले। और अभी मुझे उन्होंने कहा है कि वेयर हाउस को ढूंढ के उसे खोलना होगा, तो अभी हमें वेयर हाउस की अच्छे से मरम्मत करनी होगी। तो फिर चलो देखते हैं। तो अब हम लोन भी ले सकते हैं अपने कंप्यूटर के द्वारा। मुझे ये वेयर हाउस ढूंढना पड़ेगा पहले कहाँ पे है। अंकल ने कहा है वेयर हाउस की भी अच्छे से मरम्मत, उसकी मेंटेनेंस करनी होगी। और यहाँ पे अभी मैं, अच्छा तो यहाँ पे हम अपने गैस स्टेशन के बाहर का जो एरिया है उसको डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, पर सिर्फ $50 ही हैं। चलो ठीक है, आराम से हो जाएगा। और डेकोरेशन में अच्छे ही नारियल के पेड़ से नारियल गिरेंगे, उसका भी बिजनेस कर पाऊंगा। पर अभी उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर दिया है और अब क्या करना है, अब हम अपने गैस स्टेशन को लेवल 2 पे अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है फिर, और हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पा ली है, हमारा गैस स्टेशन लेवल 2 पे आ गया है। सही में ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, गर्व की बात है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में वेयर हाउस को ढूंढ के उसकी अच्छे से मरम्मत करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। अब तक के लिए बाय।